2020 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है। प्रथम पारी में जो जीके का पेपर हुआ आज, उसके 75 प्रश्न आए हैं। सभी अभ्यर्थियों ने कहा है कि पेपर टफ था, किन्हीं अभ्यर्थियों ने कहा पेपर एवरेज में था, लेकिन आप खुद पेपर को देखिए, क्योंकि आने वाले 10 दिन तक इसी तरह के प्रश्न आने वाले हैं जो कि आपको भी उसी प्रकार से करने हैं। तो देख लीजिए पेपर, हम देख लेते हैं कैसा पेपर रहा, क्या पेपर का लेवल था और कितने प्रश्न हम कर सकते हैं और आप कर सकते हैं। इसकी आंसर की जल्द ही जारी की जाएगी, इसके लिए आप पहले पेपर देखिएगा, आप भी कोशिश कीजिएगा और हमारे द्वारा जो लेसन दिए गए हैं उन्हीं में से कई प्रश्न बैठे हैं एज इट इज जो मॉक टेस्ट हमने बनाया था। जैसे आरटी एक्ट का मॉक टेस्ट हमने निकाला था, बच्चों की लर्निंग डिसेबिलिटीज का था, वो सब हम यहाँ देखेंगे। पहला प्रश्न है, मैं नास्तिक हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ, किसने लिखा? चंद्रशेखर आजाद ने लिखा, राज बिहारी बोस, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर आप निकालिएगा, क्योंकि अभी हमने आंसर की नहीं सेट की है, वो आंसर की सेट करेंगे। पहले हम आपको प्रश्न पत्र दिखा रहे हैं, 75 प्रश्न आप फटाफट देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध मिसोन, जो माइसोन भी कहते हैं मंदिर समूह, दक्षिण पूर्व एशिया के किस प्राचीन राज्य की धरोहर है? हुनान की, चंपा की, श्री विजय की या माता राम की? तीसरा प्रश्न है, सूची एक व सूची दो आपस में सुमेलित करें, ठीक है? ये लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलोजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इनकी आपस में ये जो डिस्पेच कमीशन थी और गवर्नर जनरल है, ठीक है? चौथा प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, ठीक है? पांचवा प्रश्न है, इनमें से किसने एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 का विरोध किया? आरजी भंडारकर ने, गोविंद रानाडे ने, बंकिम चंद्र ने या बाल गंगाधर तिलक ने? पांचवा प्रश्न। छठा प्रश्न है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? प्रताप, युगांतर, नवीन राजस्थान या तरुण राजस्थान? सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? मेजर मॉरिसन, डॉक्टर सेटलर, मेजर बर्टन या कैप्टन शावर्स? इसमें दो हैं जिनकी हत्या कर दी गई थी। आठवां प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा दी गई हत्याओं का सही कालक्रम बताएं। सर कर्जन वाइली की हत्या की, जेपी सॉन्डर्स की हत्या की, एमएमटी जैक्सन की हत्या की, डब्ल्यूसी रैंड की हत्या की? देखिए पेपर का जो पैटर्न है वो बहुत तरीके का आने लगा है, अब सीक्वेंस जमाने होते हैं कि इतिहास में भी ये कब कब हुआ, क्या क्या हुआ, किस किस के साथ क्या घटनाक्रम हुआ, ये ऐसे प्रश्न बनने लगे हैं। इनमें से कौन सा सम्राट अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे? ख्वाजा अब्दुल समद, उस्ताद मंसूर, मुश्किन अबुल हसन। दसवां प्रश्न, अशोक स्तंभों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? उनकी सतह चमकदार थी, वे धारियां युक्त थे, इस सभी स्तंभों में अभिलेख मिलते हैं और स्तंभों की यष्टि जो लाट है एकाशमक है। अब देखिए यहाँ जो प्रश्न हम देख रहे हैं ये अभी तक हिस्ट्री के चल रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित कथन सत्य है क्या? सी आर दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया। सुभाष ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया। कालांतर में वे कलकत्ता नगर निगम के महापौर चुने गए और 1939 में उन्होंने कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। चौथा तो इसमें राइट है ही, बाकी तीन भी हम देखेंगे है कि नहीं है। बारहवा प्रश्न, श्री वैष्णव संप्रदाय के निम्न में से कौन संबंधित है? वल्लभाचार्य, रामानुज, मीरा, चैतन्य। तेरहवा प्रश्न, गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तिगवा का विष्णु मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर और नचना कुठार का पार्वती मंदिर। चौदहवा प्रश्न है, अभी हिस्ट्री चल रही है ये, अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्ण अधीनता स्वीकार कर ले? मानसिंह, जलाल खां, भगवान दास या टोडरमल? पंद्रहवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना आरंभ कर दिया? अक्षय कुमार दत्ता ने, द्वारकानाथ गांगुली ने, ईश्वर चंद्र, केशव चंद्र सेन ने या विद्यासागर ने? सोलहवा प्रश्न है, एक निश्चित कोड से CAT को CATC लिखा है और DEARDR को SEARD लिखा है, उसी कोड में सिंह को कैसे लिखेंगे? बहुत ईजी है इसे करना, जैसे सी को हमने यहाँ एस बनाया है तो सी को जब एस बनाएंगे तो एस को हम यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, सिंह को कैसे लिखा जाएगा? तो ये एक कूट है, बहुत ये तो इजीली हो जाता है बहुत आसानी से।
पी का पिता क्यू बेटा है, एम का एम पी का पितृक चाचा है और एन क्यू का भाई है, एन का एम से कैसा संबंध है, ये भी हम आपको आंसर की में बता देंगे। निम्न अनुक्रम में लुप्त पद बताएं, ये भी बता देंगे हम, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 19वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा द्विआयामी आरेख नहीं है, ये भी बताएंगे। मध्य माध्यमिक का बहुलक, इसका भी आंसर बताएंगे हम। एक विद्यालय में 25 अध्यापक है, इसका भी बिल्कुल, इसका नए अध्यापक की आयु, ये इसके बारे में हम जल्दी बताएंगे आपको। ये 22वां प्रश्न है, एक पार्टी में शाकाहारी मांसाहारी सब तरह के लोग हैं, तो ये एक रेख है, तो हमें यहाँ पे छाटना है। एक घनाभ, ये सब मैथमेटिक्स के प्रश्न है। ये 24वां प्रश्न है, ये 25वां प्रश्न है। 27,720 संख्या के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी, ठीक है, ये 26वां प्रश्न है। हिंदी स्टार्ट हो जाती है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, उहा पोह उत्तरोत्तर विवाहेतर शिरस्त्राण, तो यहाँ तीसरा शुद्ध नहीं है, विवाहेतर होता है, विवाहेतर नहीं होता है ना, विवाह इतर, विवाह से अलग, इस तरह से। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं, ठीक है, ये हिंदी के हैं। निम्नांकित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है, ठीक है, किस विकल्प में गलत संधि है। और 30वां प्रश्न है, निम्नांकित शब्दों पर ध्यान दें, खाना टहलना छींकना तोड़ना, अकर्मक सकर्मक चाटी, यहाँ इंग्लिश स्टार्ट हो जाती है। 31 दे लाइव डैश 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 अस ऑन द फोर्थ फ्लोर, ये यहाँ देना है। ये 32 नंबर का क्वेश्चन है, ये 33 नंबर का क्वेश्चन है, 34, 35। अब यहाँ पर हमें देखना है, ये इंग्लिश के 5-7 प्रश्न इन्होंने लिए हैं। 36वां प्रश्न आ गया है यहाँ, संविधान से संबंधित। मान लीजिए 26 सितंबर 2018 को आधार योजना एवं अधिनियम वाद में उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के निम्नांकित न्यायाधीशों में से किसने बहुमत के निर्णय से असहमति दी, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति ए के सीकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर। ये जो आधार कार्ड की योजना थी वो उस वाद में यह केस है। 37 नंबर का है, भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के हालिया उत्खनन में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 2000 BCE की समाधियां खोजी गई, बस्ती डुमरियागंज हस्तिनापुर सनोली। 38वां प्रश्न, इंटरवाइंड लाइव पुस्तक के लेखकों ने जयराम रमेश, झुंपा लाहिड़ी, प्रतीशी नदी, शशि थरूर। 38वां क्वेश्चन, 39 उत्तरी सेंटिनल द्वीप जहाँ स्थित है, कौन से सागर में स्थित है, कौन सी खाड़ी में है, बताना है। 44वां है, ये खेल से संबंधित है, करंट अफेयर्स में। पुरुष हॉकी की 5वीं एशियाई चैंपियन ट्रॉफी किसने जीती, मस्कट, सियोल, भुवनेश्वर में, या कहाँ आयोजित हुआ, मतलब भुआल लंपुर। 41वां, यूनाइटेड किंगडम में 50 पाउंड के नोट पर किस भारतीय वैज्ञानिक की तस्वीर छापने की सिफारिश की गई, ठीक है। 42वां प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री की महिला सशक्तिकरण हेतु 7 सूत्रीय कार्यक्रम में क्या शामिल नहीं है, तलाक के लिए परामर्श, सुरक्षित मातृत्व, महिलाओं को सुरक्षा एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करना और जनसंख्या स्थिरीकरण। यहाँ तीसरा प्रश्न, वैसे तो तीसरा ऑप्शन राइट है। 43वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के आधार पर पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, विराट कोहली के बारे में, खेलों के बारे में, उसकी उपलब्धि के बारे में पूछा गया है। 45वां प्रश्न है, फिल्म के बारे में, फिल्म कल्पना लाजमी द्वारा निर्देशित नहीं है, ठीक है, रुदाली, दरमिया, दमन, एक नजर। 46वां प्रश्न है, परमाणुकता एक होती है, ये जनरल साइंस पर आधारित है। 47वां प्रश्न, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था, ये भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित मान लीजिए। कोली फार्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं, जनरल साइंस। 50वां प्रश्न, भारत का सर्वोच्च दर्जे का सिविल सेवक कौन है, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही मान लीजिए, ये अभिक्रिया का प्रश्न है, ये जनरल साइंस का है। एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है, यह जनरल साइंस का प्रश्न है। संवेग का एसआई मात्रक है, जनरल साइंस हो गया। भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणालियों के किस संयोग को चरितार्थ नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रश्न है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु संस्तुति करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्चतम न्यायालय के कितने वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित हो गया। SIERT यानी जो हमारा SIERT जो
राज्य का डाइट है, रैंकिंग 2017 के अनुसार निम्न में से कौन सा डाइट प्रथम स्थान पर है, ये हमारा आरटीई एक्ट के आधार पे हो गया। और राजस्थान में विद्यालय अध्यापक शिक्षा के योजना निर्माण क्रियान्वयन मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षणिक संगठन कौन है, ये आरटीई एक्ट में आ जाता है। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीने में पाया जाता है, तो ये हमारा ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न हो गया। 59, स्थानीय स्तर पर विद्यालय मानचित्र तैयार करने के लिए विभिन्न कार्यों का सही क्रम कौन सा है, ये आरटीई एक्ट में आ गया। 60वां प्रश्न, एसएमसी में भी आ सकता है ये। 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, अरावली, ये हमारा ज्योग्राफी का प्रश्न है। 61वां प्रश्न है, विद्यालय मानचित्र के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ज्योग्राफी का प्रश्न है। ठीक है, एक EMIS के विकास का प्रथम चरण है, ये मैनेजमेंट में आ चुका है। निम्नांकित में से किस समिति की अनुशंसा के आधार पर SIERT उदयपुर की स्थापना की गई, तो ये हमारा NCF और RTE एक्ट के आधार पर जो प्रश्न पूछा गया है। विद्यालयों में वियोजन की संस्कृति के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये RTE एक्ट और NCF 2005 के अनुसार पूछे गए प्रश्न है। 65वां प्रश्न है, गलत युग्म को चुनिए, चूना पत्थर, ये हम मान लेते हैं ज्योग्राफी का प्रश्न है। 66वां प्रश्न है, सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण हेतु निम्नांकित में से कौन सा जिला CTE प्रशिक्षण महाविद्यालय हटुंडी के अंतर्गत नहीं आता है, ये हमारा प्रबंधन में है। निम्नांकित में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात, ये जनगणना और इत्यादि के आधार पे है। DISE का प्रथम प्रारूप निम्नांकित में से किस वर्ष जारी किया गया, ये मैनेजमेंट का प्रश्न है। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड है, तो देखिए यहाँ पे 10 गुना शुल्क लिया जाएगा। ठीक है, ये इसका प्रावधान है, ये आरटीई एक्ट के आधार पर। भारत की प्रथम डाइस परियोजना को निम्नांकित में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई, केंद्रीय बजट 2017 18-19 में सर्व शिक्षा अभियान को समाहित कर दिया गया, किसमें, समग्र शिक्षा में या किसमें, ये सब मैनेजमेंट के प्रश्न है। ये 72वां प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है, इसका भाग 17 बच्चों की दंड से रक्षा करता है, बिल्कुल सही है। इसके भाग 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का है, इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है, इसका भाग 28 शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निषेध करता है। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट से, ये आरटीई एक्ट से हो गया। निम्नांकित में से कौन सा हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में समाहित नहीं है, ये हो गया हमारा प्रबंधन का प्रश्न। REE अजमेर के संबंध में बताएं, ये प्रबंधन से संबंधित है। और अंतिम प्रश्न है, प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा नहीं है, तो ये हमारा जनरल क्वेश्चंस भी हो जाता है, जनरल जीके का प्रश्न। ये 75 प्रश्न का आज का पेपर रहा है, ये आज का हमारा पेपर रहा है, ये पहली पारी का पेपर था। अब नेक्स्ट पारी का जो हिंदी का पेपर है वो हम आपके लिए इसका पेपर सैंपल लेकर आएंगे, और डेली हम कोशिश करेंगे पेपर आपको ला करके सैंपल दें, और इसकी आंसर की जल्द जारी की जाएगी। अब चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, धन्यवाद।